समय की बात है, बहुत सुंदर एक जंगल हुआ करता था जहाँ बहुत ही मीठे मीठे फलों का ढेर था। सारे जानवर बहुत ही हंसी खुशी से उस जंगल में रहते थे। उसमें एक बहुत ही प्यारा सा बंदर था जो एक तालाब के किनारे बने जामुन के पेड़ पर रहता था। वो दिन भर मस्ती करता, उस पर झूले झूलता, उसके मीठे फल खाता। उसी तालाब में एक मगर का जोड़ा रहता था जो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश रहता था, बहुत ही हंसी खुशी से वो रहते। एक बार मगर टहलते घूमते हुए अचानक से आके पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको बंदर ने बड़े ध्यान से देखा। वो सोचने लगा, रे ये तो मेरा गेस्ट हुआ अगर ये मेरे पेड़ के नीचे बैठा है तो। बंदर को लगा चलो दोस्ती करते इससे। वो झट से पेड़ से उतर के नीचे आया और उसने बोला, हेलो दोस्त, तुम कैसे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर देखता रह गया उसे कि अरे ये छोटा सा बंदर कौन है। फिर उसने कहा, तुम मेरे पेड़ के नीचे आए हो, मेरे मेहमान हो, लो कुछ मीठे फल खाओ। और उसने कुछ जामुन उसको तोड़ के दे दिए। मगर ने उसको खाया, बोला ये तो बहुत ही टेस्टी है, वाह, मैं तो एकदम खुश हो गया। उसके बाद से क्या था, अब तो हर दिन मंकी बैठा रहता और मगर उसका वेट करते हुए तालाब के किनारे आता। फिर दोनों दिन भर मस्ती करते हैं, दिन भर पेड़ पर कभी जामुन खाते हैं, कभी उसके पेट पर पीठ पर अपने वो बंदर को बैठाता और ले जाके पूरे तालाब की सैर कराता। पूरे दोनों में दिन भर चर्चाएं होती, जंगल की इधर उधर की बातें होती और उनका पूरा दिन बहुत ही मस्ती में बीत जाता। एक दिन वो दोनों बैठ के जामुन खेल रहे थे और खा रहे थे, तभी अचानक मगर ने बोला, बंदर भाई बंदर भाई, मेरी पत्नी ने जा तुमसे थोड़े जामुन मांगे हैं, मुझे दो थोड़े से, मैं उसके ले जाऊं। बंदर ने उसे कुछ जामुन दिए और मगर लेके अपने मुंह में उसको तालाब में चला गया। उसने अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने कहा, वाह, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो उस मीठे जामुन खाने वाले का दिल कितना मीठा होगा। वो बहुत ही दिमाग लगा के सोचने लगी। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं मगर से बोलूँगी कि जाकर मेरे लिए उसका दिल लेकर आओ, कितना टेस्टी उसका दिल होगा अगर उसकी इतनी मीठे मीठे फल वो दिन भर खाता है। उसने मगर से बोला, तुम जाओ और मेरे लिए अभी उससे मांग के दिल लेकर आओ। मगर ने कहा, नहीं नहीं मेरा वो दोस्त है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। वो मेरा दोस्त है और वो मुझे रोज़ मीठे फल देता है, भला मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। मगर की पत्नी को एक न सूझी, उसे बस था कि नहीं तुम ले आओ वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूँगी। वो एकदम जिद पे अड़ी रही। मगर बेचारा एकदम उदास हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो बंदर से जाके कहेगा क्या। वो बहुत ही टेंशन में था और वो चुपचाप उठ के वहाँ से चला गया और जाके तालाब में तैरने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे मंकी के पास गया। उसने कहा, मंकी को देखा इधर उधर पर मंकी उसे कहीं दिखा नहीं। तब तक मंकी आया। फिर क्या, मगर ने बोला, मंकी भाई आपको मेरी पत्नी ने घर पे बुलाया है खाना खाने को। मंकी ने सोचा, अरे वाह इतना अच्छा दावत, चलो चलो खा के आते हैं। उसने कहा, चलो चलो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाए हैं। फिर क्या था, मंकी तो बड़ा खुश हो गया। अब तो उसे लगा कि चलो कम से कम खीर पूड़ी खाने को तो मिलेंगे। वो बोला, ठीक है मगर भाई चलो चलते हैं। फिर मगर ने कहा, पर तुम ध्यान रखना, तुम्हें चलते जाते आते समय थोड़ा देर विलम्ब लगेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं चलो चलो। फिर दोनों चले गए तालाब में, हंसते गाते खेलते नाचते गाते। जब बीच में गए गहरे पानी में, तब तक मगर ने कहा, सोचा कि चलो अब कम से कम बता ही देते हैं मंकी को कि आखिर बात क्या है। फिर उसने बोला, मंकी भाई मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल मांगा है, उसे तुम्हारा दिल खाना है, अब तुम देख लो क्या करना है। मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी इसलिए मैंने तुमसे ये बात शेयर की क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अब तो मंकी को लगा
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गया पर उसने हिम्मत से काम लिया और बहुत ही धैर्य के साथ उसने बोला, अरे मगर भाई तुम मुझे पहले बताते तो मैं तो वो पेड़ पर बिल में रखता हूँ अपना दिल, चलो अब लेके आते हैं। मगर ने कहा, अरे वाह मेरा दोस्त तो मान गया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वो चुपचाप उसकी बात मान गया। फिर क्या था, मगर ने बोला चलो मंकी भाई तुम्हारे पेड़ के पास चलते हैं। और वो दोनों उस तालाब में तुरंत लौट गए और लौटते समय मगर वहाँ पे पेड़ के पास मगर लेके गया। मंकी ने सोचा यही अच्छा मौका है मुझे यहाँ पे जाने का, और वो तुरंत कूद के फटाफट अपने पेड़ पे चढ़ गया। मगर को तो लगा कि वो अभी दिल लेके आएगा और मुझे दे देगा। अब वो लगा चिल्लाने, अरे मंकी भाई दिल ले आओ दिल ले आओ। मंकी ने कहा, कौन सा दिल, कैसा दिल, अब कोई दिल नहीं है इस बिल में, चलो चलो जाओ यहाँ से। मुझे लगा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर मेरे अच्छे दोस्त की ओट में तुम तो मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है, चले जाओ यहाँ से और आज के बाद से कभी मत आना। मैं तुम्हें कोई, तुम चाहे जो भी कहो मगर मेरी गलती नहीं है ये। मगर ने बहुत सफाई दी मगर मंकी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं अब मूर्ख नहीं बनने वाला हूँ। और वो हंसने लगा, बोला आज के बाद से हमारी दोस्ती ख़त्म। इस बात से, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि कभी भी मुसीबत पड़ने पे, कभी भी कोई भी समस्या आने पर हमें बहुत धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ सोच समझ के उस पे काम करना चाहिए।